हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि यदि आपका आधार कार्ड खो जाता है तो उसे आप दोबारा कैसे आप आधार डिपार्टमेंट से मंगवा सकते हो। तो आपको पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है UIDAI का। तो मैं खोल लेता हूँ। देखिए, खोलने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। देन आपको देखिए यहाँ पे एक गेट आधार में एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑर्डर आधार रिप्रिंट। वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है कि आपका डिलीवरी में डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ कोविड-19। देखिए यहाँ पे आगे इसका प्रोसीजर में होता है कि आप आधार नंबर और वर्चुअल आईडी और इनरोलमेंट आईडी तीनों में से किसी से भी आप उसे मंगवा सकते हो। जो आपके पास है वो यहाँ पे यहाँ डालिए। तो मेरे पास आधार नंबर है, तो मैं यहाँ पर आधार नंबर फिल करता हूँ। फिल करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिल करना होगा। जो कैप्चा है दिया हुआ, कैप्चा उसे फिल कीजिए। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पे। यदि नहीं है तो पे क्लिक नहीं करना है। यदि नहीं रहेगा तो आपको होगा कि जो आपका ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होगा जो आप डालिएगा, जो नहीं है अगर उससे लिंक है आधार से, देन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उस पर OTP आएगा। हाँ, तो वहाँ से आपका आगे प्रोसीजर जिस तरह आगे फॉलो होगा उस तरह फॉलो होगा। तो चलिए, मेरा मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख दिया, OTP सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल, मोबाइल चेक करने बोल रहा है। तो चलिए, OTP आता है और नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे आधार नंबर दिया हुआ है और नीचे OTP का सुविधा यहाँ पे दिया हुआ है। OTP आ भी गया। चलिए डालते हैं 97-63-71, 97-63-71। देन आपको देखिए टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबमिटेड कर देना है। आपको सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद आपके पास देखिए आपको जो डिटेल वो खोल कर आ जाएगा, सामने आ गया। और यहाँ पे देखिए मेक अ पेमेंट का ऑप्शन है, आप कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पे नोटिस है कि इन केस यू फाइंड एनी इनएक्यूरेसी, मिसिंग ऑल्ड और आउटडेट इन्फॉर्मेशन, यू गेट आधार डिटेल अपडेट। ओके, देखिए यहाँ पे आपको मेक अ पेमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है कि आप किससे पेमेंट करना पसंद करोगे। चूज ए पेमेंट ऑप्शन, कार्ड से दैट मीन्स क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, UPI। तो मेरे पास UPI है तो मैं UPI से पसंद करूँगा, सुबह पेटीएम से। तो पेटीएम का मैं अपना यहाँ पे नंबर डालता हूँ। डालने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सुमित कुमार आ गया। हाँ ठीक है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखिए वन यहाँ लिखा है, ओपन पेटीएम मोबाइल ऐप एंड अप्रूव पेमेंट। मतलब आपको अपना पेटीएम ओपन ओपन करना है और पेमेंट जो है उसे अप्रूव करना है। आप उसे अप्रूव कीजिए। चलिए वहाँ पर चलते हैं, हम लोग पेटीएम ऐप खोलते हैं। चलिए यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ऑप्शन देना होगा। खोलने के बाद देखिए यहाँ पे आपका UPI मनी ट्रांसफ़र जो ये है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने एक ये आ गया है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पैसा पे करना है, 50 रुपया पे करना है आपका। चलिए मैं अपना पिन डालता हूँ। पिन डालने के बाद चलिए चलिए हो जाओ, यहाँ पे हो गया। अब चलिए हम अपना पिछला प्रोसेस पे यहाँ पे आ गए। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख दिया। देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिखा। यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप, इस पर क्लिक करने से आप डाउनलोड कर लीजिए। कारण कि वो आपको आधार कार्ड स्टेटस चेक करने में मदद करेगा। जो देखिए जो SRN है ये पूरा ये आपको मदद करेगा। यही आप डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा कैप्चा, तो आपको मदद करेगा आधार अपडेट चेक करने में। चलिए उसको हम चेक करते हैं कि कहाँ तक है हम लोग का। चलिए आपको हम बताते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा कि मेरा जो आधार है वो उसका कहाँ तक पहुँचा और किस दिन तक आएगा। चलिए फिर वहीं पे जाते हैं और वहीं पे जो ऑर्डर आधार लिखा हुआ है या फिर नीचे लिखा हुआ देखिए चेक आधार रिप्रिंट स्टेटस, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एस
आर एन मतलब सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालना होगा। मेरे पास जो भी है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ये देखिए ये है मेरा ऊपर का जो, वही से कॉपी कर लेना आपको। कॉपी करने के बाद इसको क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे कॉपी हो गया। फिर यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपको डाल देना, देखिए फिल हो गया। और यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर देना है, 44 96 0 1 44। और चलिए कैप्चा फिल करते हैं, कैप्चा जो भी है इसका जेड एन आर बी क्यू। उसके बाद चेक स्टेटस पे क्लिक कीजिए, देखिए पेमेंट सक्सेसफुल लिखी यहाँ पे लिख दिया है। अब आपका स्टेटस आएगा, जहाँ जिस तरह आएगा उस तरह आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ तक आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग खोया हुआ आधार कार्ड को फिर दोबारा मंगवा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और आप इस फैमिली से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वच्छ रहिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।